हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज हम जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं वो है एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग्स। तो चलिए एरीज, देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। टेक अ डीप ब्रेथ। एरीज, अपने पार्टनर के बारे में सोचें जो आपका उनके साथ अच्छा टाइम गुजरा, जो गुड मोमेंट्स थे आपके, उन मोमेंट्स के बारे में सोचें ताकि मैं आपकी एनर्जी में टैप इन कर सकूँ। और एनर्जी एक्सचेंज के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे लिए आसान होता है आप लोग की एनर्जी में टैप इन करना और परफेक्ट रीडिंग लाना आप लोगों के लिए, ठीक है। और ये जेंडरलेस रीडिंग होती है, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने हिसाब से लें, अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने हिसाब से लें। एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग्स एरीज के लिए क्या है, प्लीज एंजल में स्प्रिट गाइड मुझे गाइड कीजिएगा। एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग्स एरीज के लिए, एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। एरीज, पास्ट में आपके पार्टनर ने शायद आपका ऑफर रिजेक्ट किया है। आपने उनसे बात करनी चाहिए किसी टॉपिक के बारे में, लेकिन उन्होंने आपसे बात नहीं की है। एरीज के पार्टनर की एरीज के लिए करंट फीलिंग्स। इस कार्ड को हम कंसिडर नहीं करते। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं आपके पार्टनर, लिब्रा, एक्यूरियस, जेमिनाई हो सकते हैं आपके पार्टनर। जेमिनाई, लिब्रा, एक्यूरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर किसी दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा पास में कंफ्यूज रहे हैं। वो बैलेंस करना चाहते थे, या आपकी फैमिली, या तो उनकी फैमिली हो सकती है, या तो उनका उनका वो डबल डेटिंग हो सकती है, वो डबल डेट कर रहे हो, या तो वो कोई ऐसी चीज़ को उनके माइंड में हो सकता है जो उनके लिए बैलेंस होना मुश्किल हो रही थी। शायद ये उनका करियर हो सकता है जिसको वो आपको और अपने करियर को बैलेंस करना चाह रहे थे। हर बंदा मल्टीटास्कर नहीं होता, आपके पार्टनर मल्टीटास्क नहीं कर सकते, वो एक वक्त में एक ही काम कर सकते हैं। पास्ट में शायद कुछ ऐसा हुआ जो उनसे बैलेंस नहीं हो सका, जो डिस्ट्रॉय हो गया सब कुछ, सब ख़त्म हो गया। लेकिन अब उनके पास क्लियरिटी है कि क्या करना है, क्या हुआ, कितना उन्होंने गलत किया, कितनी उनसे मिस्टेक्स हुई, कितनी उनसे गलतियाँ हुई, कितने उन्होंने इतना उन्होंने चीज़ों को ख़राब कर दिया। तो आपके पार्टनर इस वक्त ये सोच रहे हैं कि मैं अगर सही डिसीजन लेता तो ये इस जगह नहीं होता। जितना मैं डिप्रेस और परेशान हूँ, जितना मैंने अपनी लाइफ में मैस फैलाया हुआ है, जितने मैंने रॉन्ग डिसीजंस, गलत डिसीजंस करके अपनी लाइफ को स्टक किया हुआ है, ऐसा नहीं होता। वो बहुत डीप थिंकिंग में, शायद वो अपनी हीलिंग कर रहे हैं, किसी से इस वक्त बात नहीं कर रहे, थोड़ा सा सैड और डिप्रेस है अपने डिसीजंस मेकिंग पे। उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है, कोई उनकी ज़िंदगी में आता जाता रहा है, इसलिए उनको उन सब चीज़ों की वजह से बहुत डिस्टर्बनेस हुई है अपनी लाइफ में। लेकिन फ़िलहाल इस वक्त अब उनको समझ में आ गया है क्लियरली उनको क्या करना चाहिए। उनके पास उन्होंने कुछ सोचा है कोई डिसीजन लिया है जिसके साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। अब जो पास्ट में नहीं कर सके वो अब करना चाहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने आप को हील कर रहे हैं इस वक्त। वो लोगों से बातचीत में नहीं है, वो लोगों से कट ऑफ उन्होंने किया हुआ है। ये आपकी फीलिंग्स हैं कि आप क्या फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, आपकी क्या फीलिंग्स हैं अपने पार्टनर को लेकर, एरीज की क्या फीलिंग है। एरीज, आपकी फीलिंग्स ये हैं कि अपने पार्टनर को लेकर के आप बहुत ज़्यादा स्टक हैं अपने पार्टनर के माइंड गेम में, अपने पार्टनर की डिसेप्शन में, अपने पार्टनर के, आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, उन्होंने आपको कभी जस्टिस नहीं दिया। वो आप भी उनसे किसी ना किसी मामले में ऑब्सेस रहे हैं, आपने भी एक चीज़ को जो है ना कि कुछ बहुत ज़्यादा ऑब्सेसली सोचा है, 24 आवर वो आपके दिमाग में थे। एरीज, आप
अपने पेंटिकल, आप अपनी लाइफ पे भी ध्यान दे रहे थे लेकिन आप हीलिंग करना चाहते थे। आपके पास में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस उठाया है एरीज अपने पार्टनर की वजह से, और आपके पार्टनर ने भी कहीं ना कहीं इमेच्योर मुझे आपके पार्टनर लग रहे हैं एरीज। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं और ये मैंने आपकी फीलिंग्स निकाली हैं। इस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर के लिए? आप दोनों ही अपनी अपनी जगह डिस्टर्ब हैं, लेकिन आपके पार्टनर के पास क्लियरिटी है। उन्होंने क्या कहाँ कहाँ गलती करी, कहाँ कहाँ रॉन्ग डिसीजंस लिए, उनको अब इस बात का अंदाज़ा है। उन्होंने कितना कितना ख़राब किया है इसको, कितना आपको हर्ट किया है, कितना आपको डिस्टर्ब किया है। वो पास्ट में उन्होंने जो जो किया, जो जो उनसे इम्बैलेंस रहा, उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अब आप जो है ना अपनी सेल्फ़ वर्थ पे काम कर रहे हैं, अब आप अपने पेंटिकल्स पे काम कर रहे हैं, और अब आप इतने मेस में फंसना नहीं चाहते। जितना आप डिस्टर्ब हो चुके हैं वो हो चुके हैं, अब आप किसी मेस में फंसना नहीं चाहते। आप आर या पार, या तो फैसला करो, या तो जाने दो, या तो जाओ यहाँ से। बस आप काम वाटर की तरफ मूव करना चाहते हैं। आपके माइंड में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है, आप इससे ज़्यादा एफर्ट नहीं डालेंगे। आप पास में ऐसा हो सकता है कोई किसी रिलेशनशिप में आप रहे हैं, उधर आपके साथ मिसबिहेव हुआ है, अब्यूजिंग हुई है, आपको गलत कहा गया है, आपको मेंटली तौर पर अपनी ही सेल्फ डाउट में डाल दिया गया है, कुछ ऐसी बातें आपसे की गई हैं। आप लोग ये ऐसे रिलेशनशिप में थे जो पॉसिबल नहीं होता, जो हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। आप दोनों पास में इस तरीके के रिलेशनशिप में काफ़ी रहे हैं। ये ऐसी चीज़ें थी जो पॉसिबल नहीं होती, हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। हमारी सोसाइटी एक निकाह या तो कोई मैरिज एक्सेप्ट करती है, लेकिन आप लोगों ने पास में बिना इन सब चीज़ों के अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा एक दूसरे का के लिए ओपन किया हुआ था। रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी आप दोनों की लाइफ में एक दूसरे के लिए, जो आपको अब हर्ट कर रही हैं, आपको अब रिग्रेट कर रही हैं, अब आपको अपने सेल्फ पे काम करने के लिए मजबूर कर रही हैं एरीस। अब मैं देखूंगी कि आपके और आपके पार्टनर की म्यूचुअल फीलिंग्स इस रिलेशनशिप के लिए क्या हैं, आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स क्या हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए एरीस के पार्टनर की म्यूचुअल फीलिंग्स क्या हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। एरीज़ के पार्टनर की और एरीज़ की म्यूचुअल फीलिंग्स क्या हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। म्यूचुअली आप दोनों इस रिलेशनशिप के लिए अब क्या चाहते हैं? स्ट्रेस में, आप दोनों ही स्ट्रेस में, खाली आप नहीं और आपके पार्टनर भी। आप लोग एक टाइम बदलना चाहते हैं इस रिलेशनशिप का। आप दोनों ही कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जो पुराना वक्त था ना, वो कहीं से किसी तरीके से वो टाइम जो है ना चेंज हो जाए। जो आप लोगों ने पास्ट में एक दूसरे को हर्ट किया है, वो टाइम कहीं ना कहीं रिमूव हो जाए आप लोग की लाइफ से। आप दोनों के देखिए, मैंने अभी कहा था कि आप दोनों अपनी ज़िंदगी को एक चेंज करना चाहते हैं। आप दोनों चाहते हैं कि वो टाइम आप लोग की लाइफ से किसी भी तरीके से रिमूव हो जाए। दोनों स्ट्रेस में, आप दोनों अब इस रिलेशनशिप का वक्त बदलना चाहते हैं और एक बैलेंस में लाना चाहते हैं। जिसने पास्ट में थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट की, किसी को हर्ट किया, किसी का ऑफ़र रिजेक्ट किया, अब वो इंसान बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है। वो उसको समझ में आया उसने क्या किया, अब वो रातों में सो नहीं पा रहा, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है वो बंदा। जिसने पास्ट में जितना आपको डिस्टर्ब किया है ना, वो खुद उससे भी कहीं ज़्यादा डिस्टर्ब है इस वक्त। अब वो चाहता है चीज़ें ठीक हो जाएं, कुछ कुदरत की तरफ से कुछ ऐसा है, कुछ व्हील ऑफ फॉर्च्यून जहाँ आ जाता है, वक्त ने कुछ ऐसा पलटा खाया कि बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं, उसके हाथ में नहीं है। वो शायद पहले उन सब चीज़ों को कवर कर सकता था, लेकिन अब उस हालात उसके हाथ में नहीं है। उसकी फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है, कुछ ना कुछ है जो उसको कहीं ना कहीं रोक रहा है, कहीं ना कहीं इसको स्टॉप कर रहा है। अब वो चीज़ें चेंज करना चाह रहा है एक दिल से। पहले वो एक प्ले बॉय टाइप, प्ले गर्ल टाइप था, कुछ प्लेयर टाइप एनर्जी है पास्ट की। वो बंदा खुद से चाहता तो सही तरीके से रिस्पेक्ट भी कर सकता था, सही तरीके से बात भी कर सकता था। मतलब कि जैसे गिव एंड टेक एक रिलेशनशिप में होता, वो कर सकता था, लेकिन उसने वो किया नहीं।
अब मैं आपके लिए एक एडवाइस कार्ड लूँगी, आप दोनों की जो म्यूचुअल फीलिंग है इस रिलेशनशिप को एक एक राइट डायरेक्शन देने की है, लेकिन वो राइट डायरेक्शन राइट डिसीजन से मिलेगी, वो ऐसे नहीं मिल सकती आप लोगों को। पीस एंजल्स एंड स्प्रिट गाइड मुझे बताइए, एक एक एडवाइस कार्ड दिए दीजिएगा कि एरीज को क्या करना चाहिए, इन सब में एरीज को क्या करना चाहिए। मैं ये कार्ड ले लूँगी। हील करें एरीज अपने आप को, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं पास्ट में, जो आपके पार्टनर ने आपके साथ किया, उन्होंने आपको जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे अपने पार्टनर पे, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, जो आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रही चीज़ें, आप उन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्टक हैं। आपको एरीज अभी अपने पार्टनर पे ना ध्यान देते हुए उनसे आप जो चाहते हैं एक साफ साफ बात करके और अपनी ज़िंदगी पे आप ध्यान दें, उनको आना होगा वो आएंगे, उनको कोई आपके लिए डिसीजन लेना होगा लेंगे, अदरवाइज आपके लिए न्यू रास्ते ओपन हो रहे हैं, आपके लिए न्यू रिलेशनशिप की राहें खुल रही हैं, रास्ते बनते जा रहे हैं, कोई ना कोई आपकी लाइफ में आप हील हो जाएंगे, कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में आएगा। ठीक है, ये रीडिंग मैं यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपकी एनर्जी में मैं टैप इन कर सकूँ, आपके साथ सही तरह कनेक्ट हो सकूँ, आपके लिए अच्छी रीडिंग ला सकूँ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ये एनर्जी एक्सचेंज का काम करता है मेरे लिए। थैंक यू।